हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लॉयड। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ। ये वीडियो मेरा 2 मंथ्स टेस्टोस्टेरोन अपडेट के बारे में होने वाला है। मैंने अप्रैल 22 को टेस्टोस्टेरोन लेना स्टार्ट किया था और आज 22 जून है, तो मेरा 2 मंथ्स कंप्लीट हो गया टेस्टोस्टेरोन लेते हुए। तो मैं 10 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है मेरा जितना सारा चेंजेस हुआ है, तो वीडियो लास्ट तक देखो। सो फर्स्ट चेंज आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ माय वॉइस चेंज। मेरा वॉइस थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, जो मुझे पर्सनली फील होता है। ये दोनों वॉइस कंपैरिजन वीडियो है जो आप सुन सकते हो और आपको भी पता लग जाएगा कितना चेंजेस आया है। और पूरा वॉइस चेंज होने में ऑफकोर्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स और इससे भी ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस मुझे वॉइस में फील हो रहा है। Hey, hi everyone. I'm Siddharth. This is my voice one day on D. Hi everyone. This is my voice 15 days on D. Hey everyone. This is my voice 2 months on D. Next change I wanna talk about, that is mustache. Yeah. पहले मेरा ये वाला पोर्शन में इतना कुछ है नहीं था, लेकिन अभी मैं खुद देख पा रहा हूँ थोड़ा बहुत छोटा छोटा हेयर है इधर, थोड़ा बहुत मुस्टैच आ रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था पहले से, तो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। या इट विल टेक टाइम, ग्रो होने में टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुस्टैच आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट थर्ड चेंज आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज़ माय जॉ लाइन। यस, मेरा जॉ लाइन पहले दिखता नहीं था उतना, क्योंकि मेरा ये वाला पोर्शन में फैट था, तो अभी मेरा जो फेस का फैट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और मेरा जॉ लाइन दिखाई देना स्टार्ट हुआ है। तो मेरा जॉ लाइन वाला जो पोर्शन है ये चेंज हुआ है। नाउ फोर्थ चेंज आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज़ हेयर। मेरा हेयर थोड़ा सा चेंज हुआ है, मुझे लग रहा है मेरा हेयर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मेरा हेयर का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला साइड, इधर से हेयर फॉल हो रहा है और ये जो मिडल वाला पोर्शन है इधर से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मुझे हेयर में चेंजेस दिखाई दे रहा है। नाउ फिफ्थ चेंज आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज़ फैट डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा बॉडी में जो फैट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बेली का दोनों साइड में फैट था और डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया है। मेरा फेस में जो फैट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और मेरा फेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। ये दोनों फ़ोटो है मेरा टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट होने का पहले और ये मेरा आज का फ़ोटो है। तो आप देख सकते हो मेरा फेस में जो थोड़ा बहुत जॉ लाइन और फैट डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से फेस में और बॉडी में बहुत सारा स्ट्रक्चर का चेंज हुआ है। सिक्स्थ चेंज आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज़ मेरा बॉडी का जो अपर पोर्शन है, जो मेरा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का पार्ट है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा है टेस्टोस्टेरोन के वजह से। जो टी लेने के पहले उतना स्ट्रेंथ मुझे फील नहीं होता था, और मैं अभी एक साथ में बहुत सारा पुशअप कर सकता हूँ जो पहले नहीं कर पाता था उतना। बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट के टाइम टायर्ड हो जाता था, तो अभी उतना टायर्ड में इतना जल्दी नहीं होता हूँ। तो बॉडी में स्ट्रेंथ आया है टेस्टोस्टेरोन के वजह से। नेक्स्ट चेंज नंबर 7 आई वांट टू टॉक अबाउट, माई मसल मास इंक्रीज्ड। या मेरा बॉडी में जो मास है, मसल है, वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में भी बोला है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में चेंज दिखाई दे रहा है मुझे। और स्पेशली मेरा जो रिस्ट है, रिस्ट पहले उतना मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिलता था, अभी रिस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। और या मेरा जो लेग्स है, वहाँ पे भी जो मसल मास है वो भी फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मसल मास इंक्रीज हो रहा है बॉडी में। तो ये एक अच्छा पार्ट मुझे फील हो रहा है, मेरा बॉडी में बहुत अच्छा फील हो रहा है। नंबर 8 दैट इज़ माय बॉडी हेयर। मेरा जो हैंड्स एंड
लेग्स हैं, वहाँ पे जो हेयर का टेक्सचर है वो चेंज हो रहा है एंड मुझे छोटा छोटे हेयर भी मुझे दिखाई दे रहा है ग्रो होते हुए है, एंड मेरा पीठ में एंड एब्डोमेन का पार्ट में हेयर मुझे दिखाई दे रहा है, नया नया हेयर आ रहा है एंड हेयर का टेक्सचर भी बहुत थिक हो रहा है, तो ये मैंने नोटिस किया है चेंजेस। नंबर 9th में बोलना चाहूँगा कि मेरा बॉडी का जो स्मेल है वो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा वो चेंज हो रहा है जब से मैंने टेस्टोस्टेरोन लेना स्टार्ट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है एंड मेरा फेस का जो ये वाला पार्ट है यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट होता है, तो फेस में ऑयल सिक्रेशन ये मुझे बहुत इरिटेट करता है और बॉडी का जो स्मेल वो भी मुझे चेंज होते हुए फील हो रहा है। एंड एट लास्ट नंबर 10 आई वांट टू टॉक अबाउट इमोशनल चेंजेस और मूड स्विंग्स। फर्स्ट मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुआ है, जैसे कि मुझे सडनली अच्छा फील होता था और एक घंटा दो घंटा बाद मुझे सडनली बहुत इरिटेशन होता था, तो और भी बहुत पता नहीं क्या क्या फीलिंग्स आता था, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुआ है मुझे, अभी भी होता है मूड स्विंग्स, सडनली मुझे बहुत इरिटेशन हो जाता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, सडनली बहुत प्यार आ जाता है एंड या सेक्स ड्राइव या इंक्रीज हुआ है। तो जिस ज़्यादा चेंजेस आई वांट टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, इससे इसको छोड़ के जो चेंजेस है वो मुझे उतना मेजर चेंजेस कुछ फील नहीं हुआ है जो मैं इंक्लूड कर सकूँ, शायद 3 months 4 months बाद मुझे और भी चेंजेस फील हो और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स मैं अपडेट करता रहूँगा। एंड रही बात डाउन स्टेयर्स की, मैं उतना कम्फर्टेबल फील नहीं करता हूँ मैं वीडियो में बात करते हुए, तो मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। और एक बात मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ इधर, मेरा फेस में बहुत सारा एक्नी आया था, तो अभी हालांकि अभी वो एक्नीज नहीं है मेरे फेस पे, लेकिन आप मार्क्स देख सकते हो उसका। तो यही था मेरा 2 months में मैंने क्या क्या चेंजेस फील किया है टेस्टोस्टेरोन लेने के टाइम, एंड आई फील कि आप लोग इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो और जो लोग टेस्टोस्टेरोन लेना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो लोग, उन लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या चेंजेस होता है बॉडी में। तो इस वीडियो में इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।